सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता ही है कि वीडियोस हिंदी जो चैनल है वहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए वी लाइव्स तो स्पेशली हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, एंड इसके अलावा बीटीएस के जो सॉन्ग्स होते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिलती है। बेसिकली इतना कुछ मैंने इसलिए बोला है बिकॉज जो जंगकुक अपने बर्थडे पे लाइव आए हुए थे ना, तो उस लाइव को आप में से काफी क्यूट बॉयज ने ज्वाइन नहीं किया था जस्ट बिकॉज वो वी लाइव पे लाइव ना के व्यूअर्स पे लाइव आए थे, जिसकी वजह से काफी लोगों को पता ही नहीं चला कि जंगकुक लाइव आए हुए हैं। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि उस लाइव में ना बहुत सी अमेजिंग, बहुत सी नॉटी एंड बहुत सी फनी चीजें हुई है, एंड लाइव के बाद भी बहुत कुछ हुआ है जो कि आपको नहीं पता है। Yes, मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो यस, मैंने बिल्कुल सही कहा कि लाइव के बाद भी बहुत कुछ हुआ। लाइव में तो बहुत कुछ हुआ ही है, जैसे कि आपने देखा होगा जिन एंड जंगकुक का मूवमेंट एंड बर्थडे पे जो जंगकुक ने अपने फैंस के साथ मस्तियां किए, फैंस को लाइव शो दिखा दिए, लाइक लाइव पे आके उन्होंने बहुत से सॉन्ग्स गाए, और इसके अलावा जब जिन ने जंगकुक के बर्थडे केक पे वो फल लगाए तो वहां पे जंगकुक कितने ज्यादा हंसने लगे। स्पेशल चीज मैं आपको बता दूं इस लाइव का ये था कि जंगकुक ने इस लाइव में हिंदी भी बोले। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, जंगकुक ने इस लाइव में हिंदी भी बोले थे, एंड मैंने बीटीएस हिंदी वाले चैनल पे आपको बता दिया है। ओके, सो आपने नहीं देखा है ना उस वीडियो को, तो प्लीज आप देख सकते हो जाके। वेल गाइस, आपको अगर याद होगा तो एक बार बिहाइंड द सीन जो हमने वीडियो देखे थे बैंगटन टीवी पे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक चीज को खाते समय एक फूड को खाते समय जंगकुक उस फूड का गलत नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से ट्विटर पे जाके वो जो ऑनर होते हैं वो उन्होंने अपने ट्विटर का यूजर नेम बना दिया होता है, एंड बहुत ही ज्यादा सर्च किया जाता है उस नाम को, जिसकी वजह से वो जो फूड ऑनर है उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वेल, आपने देखा ही होगा कि अगर वी लाइव पे कभी भी कोई मेंबर बोल देते हैं कि हमें ये चीज पसंद है तो नेक्स्ट डे उस चीज का स्टॉक हमें नहीं मिलता है। आपको याद ही होगा कि एक बार जंगकुक ने अपने वी लाइव पे बताए थे कि कैसे उन्हें एक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। यस, आप मुझे कमेंट में बताना बिकॉज मैंने इन सभी टॉपिक्स पे पहले ही वीडियो बनाया है, एंड मैं भी तो देखूं कि आप में से कितने लोग अटेंटिव होके देखते हो वीडियो एंड कितनी चीजें पता है। सो लाइव में आके जब जंगकुक ने बताया कि मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो अगले दिन वो चीज आउट ऑफ द स्टॉक हो गया था। सेम ऐसे ही जो जंगकुक अपने लाइव बर्थडे लाइव में आए हुए थे ना व्यूअर्स पे लाइव, तो उन्होंने जो पजामा पहने हुए थे वो पजामा नेक्स्ट डे ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लाइक जितने भी आर्मीज थे वो जल्द से जल्द गए मार्केट एंड सभी ने उस पजामा को परचेज कर लिया। वेल, आप मुझे बताओ कि क्या आप भी उनमें से एक हो, आपने भी जंगकुक का पजामा परचेज किया है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।